व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जो है द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। फ्रांस के लोगों ने वियतनाम के लोगों का सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ही नहीं किया, यानी आर्थिक रूप से वहाँ पे लूटपाट नहीं मचाई, बल्कि उन लोगों ने वहाँ पे एक नया आइडिया और यूज़ किया, और वो था सिविलाइजिंग मिशन, यानी वहाँ के लोगों को सभ्यता सिखाना। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर एक चीज़ थोपी थी, और वो थी उन्होंने अपनी सभ्यता, यानी अपना ब्रिटिश जो सिविलाइजेशन था ब्रिटिशर्स का, वो भारतीयों पे थोपने की कोशिश की थी। सेम ऐसे ही फ्रेंच लोगों ने भी ये सोचा कि हम भी वियतनाम को मॉडर्न सिविलाइजेशन सिखाएंगे। एजुकेशन वॉज सीन एज वन वे टू सिविलाइज द नेटिव, क्योंकि एजुकेशन ये एक तरीका था जिससे वहाँ के नेटिव, यानी वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को सिविलाइज किया जा सकता था। लेकिन फ्रेंच लोगों को एक पढ़े लिखे लोकल लेबर क्लास की ज़रूरत तो थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक बात का डर भी सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वंस एजुकेटेड, एक बार पढ़ लिख जाने के बाद या एजुकेटेड हो जाने के बाद, वियतनाम के लोग उनके खिलाफ ही खड़े ना हो जाएं और उनके कॉलोनियल डोमिनेशन को खतरा ना पैदा हो जाए। मोर ओवर फ्रेंच सिटीजन्स लिविंग इन वियतनाम, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंच सिटीजन्स वियतनाम में रहते थे जिनको कॉलोन्स कहा जाता था, उनको ये डर सताने लगा कि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी नौकरियां चली जाएगी, इसलिए वो उन लोगों को पूरी शिक्षा देने के खिलाफ थे। फ्रेंच लोगों को एक और डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो स्फेयर एजुकेशन का इन लोगों ने खड़ा किया है, ये जो एजुकेशन की सिस्टम इन लोगों ने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इससे कोई एक और प्रॉब्लम इनके सामने ना खड़ी हो जाए। और वो प्रॉब्लम क्या थी, वियतनाम की जो इलीट ग्रुप था, इलीट का मतलब वहाँ का जो अच्छा प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था, वर पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज़ कल्चर, उन लोगों ने चाइनीज़ कल्चर को बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित है और चाइनीज़ कल्चर को ही उन्होंने अपनाया हुआ था। तो टू कंसोलिडेट देयर पावर, तो फ्रांस के लोगों को अपनी पावर वहाँ पे जमाने के लिए, अपना शासन वहाँ पे जमाने के लिए, द फ्रेंच हैड टू काउंटर दिस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, तो उन लोगों को उस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को बाहर फेंकना था और अपने कल्चर को उसकी जगह पर बिठाना था। उन लोगों ने इसके लिए सिस्टमैटिकली एक प्रोग्राम सोच के रखा था, सिस्टमैटिकली डिसमेंटल द ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम। उन लोगों ने सिस्टमैटिकली इस एजुकेशनल सिस्टम को, जो उनका ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम था, जो जिसमें वो चाइनीज़ कल्चर और चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में पढ़ते थे, उसको उखाड़ फेंका और उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपने फ्रेंच स्कूल्स जो वियतनाम के लोगों के लिए खोले गए। There were two broad opinions on this question, लेकिन इस बात पे दो वहाँ पे मुख्य विचारधारा के लोग थे। कुछ पॉलिसी मेकर्स सोचते थे कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इसका यूज़ इंस्ट्रक्शन यानी कि मीडियम के थ्रू नहीं होना चाहिए। सम पॉलिसी मेकर्स एम्फेसाइज द नीड टू यूज़ द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, फ्रांस की जो लैंग्वेज है, यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज है, उसको मीडियम एज अ मीडियम यूज़ नहीं किया जाए, और कुछ लोगों का ये मानना था कि हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज को एक इंस्ट्रक्शन का मीडियम रखना चाहिए। बाय लर्निंग द लैंग्वेज, जब उन्होंने लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया तो उन लोगों को ये फील हुआ कि वियतनामीज वुड बी इंट्रोड्यूस टू द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ फ्रांस, कि वियतनाम के लोगों को भी फ्रांस का कल्चर सिविलाइजेशन जानना चाहिए। इससे उन लोगों को एक हेल्प मिलेगी, एशियाटिक फ्रांस जो है वो यूरोपियन फ्रांस बन सकता है। द फ्यू हु लर्न फ्रेंच, और कुछ लोग जिन्होंने फ्रेंच सीखी और फ्रेंच कल्चर के बारे में नॉलेज गेन की, उन लोगों को फ्रेंच सिटीजनशिप से भी अवॉर्डेड किया गया, यानी कि उनको एक इनाम दिया गया, वो था फ्रेंच सिटीजनशिप का। हाउएवर ओनली द वियतनामीज इलीट, लेकिन जो कुछ वियतनामीज इलीट लोग थे, कंप्राइजिंग ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो बहुत पॉपुलेशन का बहुत ही छोटा एक फ्रैक्शन था, उन लोगों ने उन स्कूल्स में एनरोल करवाया, नाम लिखवाया, लेकिन उसमें से कुछ ही थे जो अल्टीमेटली उस स्कूल एग्जामिनेशन को पास कर पाए। यूजुअली जनरली 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन 1925 में। देखिए 17 मिलियन वहाँ की पॉपुलेशन थी, जिसमें से 400 से भी कम लोग वहाँ पे पास कर पाए थे एग्जामिनेशन को। स्कूल टेक्स्ट बुक्स, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी, वो फ्रांस के कॉलोनियल रूल और फ्रांस के कल्चर से भरी पड़ी थी। द वियतनामीज वर रिप्रेजेंटेड एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, वियतनामीज को उनमें बहुत पुराने एक समय का, बैकवर्ड, कैपेबल ऑफ मैनुअल लेबर, जो सिर्फ मजदूरी कर सकता है,
उसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई इसका अपना व्यक्तित्व नहीं है, और ये लोग सिर्फ फील्ड में ही काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक स्किल्ड कॉपिस्ट हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करने लायक नहीं है, ऐसा बताया गया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लुकिंग मॉडर्न। टोंकिन में एक फ्री स्कूल खोला गया 1907 में, जो वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए खोला गया था। इस एजुकेशन सिस्टम में साइंस, हाइजीन और फ्रेंच के बारे में पढ़ाया जाता था। अजीब बात यह थी कि ये क्लासेस इवनिंग के टाइम पे होती थी, और इन चीज़ों को सीखने के लिए यानी साइंस, हाइजीन और फ्रेंच सीखने के लिए अलग से सेपरेटली पे किया जाता था। स्कूल का ये मानना था कि ये मॉडर्न बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें पढ़ें। इट वॉज़ नॉट इनफ टू लर्न साइंस एंड वेस्टर्न आइडियाज़, सिर्फ साइंस और वेस्टर्न आइडियाज़ पढ़ना काफ़ी नहीं है, वियतनाम के लोगों को मॉडर्न बनाने के लिए उनको मॉडर्न दिखना भी चाहिए। इसलिए हर स्कूल ने, बहुत सारे स्कूल्स ने एंकरेज किया कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न हेयर स्टाइल्स को अडॉप्ट कर लें, जो था शॉर्ट हेयर कट का, क्योंकि वियतनाम के लोगों की एक आइडेंटिटी थी, ट्रेडिशनली वो लोग लंबे यानी कि लॉन्ग हेयर रखते थे, लेकिन एक नया मॉडर्न कल्चर वहाँ स्टार्ट हुआ एंड दे आर हैविंग अ शॉर्ट हेयर कट। रेजिस्टेंस इन स्कूल्स, जैसे जैसे वियतनाम के टीचर्स इन स्कूल्स में पढ़ाने लगे, हमने स्टार्टिंग में याद कीजिए हमने पढ़ा था, दो एजुकेशन सिस्टम में दो ब्रॉड ओपिनियन के लोग थे, एक जो चाहता था कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको इंस्ट्रक्शन का मीडियम रखा जाए, और कुछ जो थे वो ये सोचते थे कि फ्रेंच जो है मीडियम वो नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि जो लोअर क्लासेज हैं उनके लिए वियतनामीज़ यानी कि चाइनीज़ जो होना चाहिए कल्चर वो होना चाहिए, और जो अपर क्लासेस हैं उनके लिए हम फ्रेंच रखेंगे। वियतनामीज़ टीचर्स इंक्रीज्ड इन द लोअर क्लासेस, तो लोअर क्लासेस में वियतनामीज़ टीचर्स का नंबर बढ़ गया। इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल व्हाट वाज एक्चुअली टॉट, और ये उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया, यानी कि वियतनाम के लोगों को तो अपना कल्चर पता था, अपना सारा सिविलाइजेशन के बारे में उनको सारी नॉलेज थी, तो जब वो टीच करते थे, पढ़ाते थे, तो वो टेक्स्ट को मॉडिफाई कर देते थे और क्रिटिसाइज करते थे जो बुक में छपा रहता था। एल्सवेयर स्टूडेंट्स फॉट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने लगे, नॉलेज गेन करने लगे, उन लोगों ने कॉलोनियल गवर्नमेंट की एफर्ट को उन्होंने उसके अगेंस्ट में चले गए, और उन्होंने प्रिवेंट यानी बचाने की कोशिश की वियतनामीज़ यानी वियतनाम के लोगों को उन्होंने बचाने की कोशिश की फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब्स का मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, प्रतिष्ठित नौकरियाँ यानी अच्छे पोस्ट की नौकरियाँ, जिसके लिए वियतनाम के लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता था, यानी वो लोग उन नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। देवर इंस्पायर्ड बाई पेट्रियाटिक फीलिंग्स, धीरे धीरे इन लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी एंड द कन्विक्शन दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द एजुकेटेड, और इन लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि पढ़े लिखे वियतनामीज़ लोगों की ये ड्यूटी है कि वो अपनी सोसाइटी को बचाएं, उसको अपने पढ़ाई से बेनिफिट यानी फ़ायदा पहुँचाएँ, और ये जो चीज़ थी इसने कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा पैदा कर दिया, एक तरह का बहस का मुद्दा बन गया द फ्रेंच एज वेल एज द ट्रेडिशनल इलीट, फ्रेंच लोगों में और वहाँ के ट्रेडिशनल इलीट लोगों में। सिंस बोथ सॉ देयर पोजीशंस थ्रेटेंड, क्योंकि जो फ्रेंच लोग थे और वहाँ का जो ट्रेडिशनल इलीट ग्रुप था वो, और वियतनाम के जो लोकल जो लोग थे जो एजुकेटेड लोअर क्लास था, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, क्योंकि इन दोनों को ही अपनी पोजीशन का डर सताने लगा था। 1920 तक स्टूडेंट्स वर फॉर्मिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, स्टूडेंट्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली थी, जैसे कि पार्टी ऑफ यंग अन्नान, उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश किए सच एज अन्नानीज स्टूडेंट। स्टूडेंट उस समय एक इम्पॉर्टेंट यानी स्कूल्स जो है उस समय एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया था पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल्स का, यानी स्कूल्स पढ़ाई के लिए कम और पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल्स के लिए ज़्यादा यूज़ होने लगे। फ्रेंच लोगों ने सोचा कि अपने रूल को स्ट्रेंथन यानी मजबूत करने के लिए वियतनाम के लोगों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो एक एजुकेशन ही उसका एक सरल या आसान तरीका है, यानी एजुकेशन के माध्यम से ही वो अपने रूल को वहाँ पे मजबूत बना सकते हैं। टू चेंज द वैल्यूज़, उनके वैल्यूज़, उनके नॉर्म्स, उनके परसेप्शंस, उनकी मान्यताओं को बदल सकते हैं, और उनको ये विश्वास दिलाया गया कि फ्रेंच सिविलाइजेशन सुपीरियर है और वियतनामी सिविलाइजेशन इन्फीरियर है। वियतनामीज इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जो वहाँ के पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, उन लोगों को एक डर था कि वियतनाम सिर्फ अपनी टेरिटरी को ही लूज़ नहीं करेगा, यानी वियतनाम सिर्फ अपना
क्षेत्र अपना एरिया ही नहीं खोएगा बल्कि अपनी आइडेंटिटी भी वो खो देगा। सो द बैटल अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन, तो ये एक तरह का बैटल स्टार्ट हो गया फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन और वहाँ के इंडिपेंडेंस के बीच में, जो बाद में एक लार्जर बैटल बन गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग।